अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने घरों में शाद आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज का मेरा व्लॉग है कोकोनट बार। आज मैं वो बना रही हूँ। ये मैंने कोकोनट का चूरा लिया, ये कंडेंस मिल्क लिया और ये मैंने मेल्ट की हुई चॉकलेट की है। ठीक है जी, ये मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए व्यूअर्स, इसमें मैंने ये कंडेंस मिल्क डाल दिया, ये देखें। ठीक है, ये कंडेंस मिल्क मैंने डाल दिया। ये 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं एक पैकेट में। ठीक है जी, ये देखें, ये आटा सा गुन गया, इसका अच्छा सा सख्त हो गया। अब इसकी मैं बार बनाऊंगी, फिर मैं इसे चॉकलेट के अंदर डिप कर दूंगी। और ये व्यूअर्स बिल्कुल बाउंटी बार का टेक्सचर दे देगी, जो बाउंटी बार आप लोग चाइल्डहुड में भी खाते थे, अभी भी आती है कोकोनट बाउंटी बार, एक उसका टेक्स्चर दे देगी, होममेड बाउंटी बार। ये मैंने इस तरह लिया, इसको आपने शेप जैसे मर्जी आप शेप दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे बार की शेप दूंगी। ठीक है, ये देखें, इस तरह मैंने शेप दे दी इसको बार की। ये देखिए, ये बार की शेप दे दी। अब मैं इसको चॉकलेट में डिप करूंगी। ये देखें, ये चॉकलेट है, इसमें मैं इसको डिप कर दूंगी। ये देखें, ठीक है जी, ये देखें, इसको मैं सारा भर दूंगी। ये देखें, इसको मैं इस तरह ही रखती जाऊंगी, फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 2 से 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो व्यूअर्स अब ये मैंने बना लिया, अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज कर लूंगी, फिर मैं उसके बाद आपको चेक दिखाऊंगी। ठीक है जी, ये था हमारा आज का कोकोनट चॉकलेट बार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, मुझे इसका फीडबैक भी दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा बहुत ही डिलिशियस होममेड कोकोनट चॉकलेट बाउंटी बार्स। आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को फॉलो कीजिए और हासिल कीजिए मज़ेदार रेसिपीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉच आवर्स और व्यूज़ भी दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ। अल्लाह ने I'm a love one thing, make a bad man.